हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में जो हमारा चुनावी चंदे में पारदर्शिता की दरकार से संबंधित है। इसके संपादक हैं संजय गुप्त। भारतीय लोकतंत्र के गौरवमय इतिहास के कुछ श्रेयार पक्ष हैं और उनमें से एक है चुनाव में धन का इस्तेमाल। चिंताजनक यह है कि चुनाव में धन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खर्चीले चुनाव केवल भारत में ही होते हैं, चुनाव प्रक्रिया अन्य देशों में भी खासी महंगी है, लेकिन ऐसे में देशों खासकर विकसित देशों में चुनावी चंदे की प्रक्रिया कहीं अधिक पारदर्शी है। इसके चलते जिन देशों में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर ऐसे आरोप बहुत कम लगते हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए काले धन या बिना हिसाब किताब वाले पैसे का इस्तेमाल किया है, भारत में ऐसा नहीं है। चूंकि अपने यहाँ चुनाव में पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों के मन में यह धारणा घर कर करती जा रही है कि राजनीति और चुनाव काले धन से संचालित है। ऐसा नहीं है कि चुनाव चंदे यानी कि धन की जरूरत केवल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में ही पड़ती है। यह जरूरत पंचायतों, स्थानीय निकायों और यहाँ तक कि छात्र संघ के चुनाव में भी पड़ती है। इस सच से सभी राजनीतिक दल भली भांति परिचित भी हैं। इस पर तमाम बार बहस हो चुकी है कि चुनावी चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। इस क्रम में समय समय पर जो कदम उठाए गए हैं वे भी चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बना सके। वैसे तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्चे का विवरण हलफनामे के जरिए देना पड़ता है, लेकिन सब जानते हैं कि यह केवल दिखावटी खाना पूरी होती है। यह सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी दस्तावेजों में यही दिखाते हैं कि उन्होंने उतना ही पैसा खर्च किया जितनी की अनुमति है। वर्तमान में बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख है और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये है। इतना धन तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। आमतौर पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में औसत प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन समाजवादी सोच के तहत जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि वे कम पैसे में चुनाव लड़ लेते हैं। दो वर्ष पहले चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बांड की व्यवस्था की गई। हालांकि इस व्यवस्था का निर्माण होने के समय ही सरकार की ओर से यह कहा गया कि पूरी तौर पर पारदर्शी नहीं है, लेकिन अब उसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद का कारण विपक्ष यह आरोप है कि इस व्यवस्था का लाभ सत्ताधारी दल यानी भाजपा को मिल रहा है। इस आरोप के साथ रिजर्व बैंक की उस आपत्ति का भी जिक्र किया गया है जो उसकी ओर से चुनावी बांड को लेकर जताई गई थी। सरकार का तर्क है कि रिजर्व बैंक की आपत्तियों का जवाब देकर उन्हें खारिज कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। रिजर्व बैंक की आपत्ति पर हैरानी नहीं है, क्योंकि खुद चुनाव आयोग भी यह मानना है कि चुनावी बांड में कुछ खामियां हैं। चुनावी बांड के मामले में विपक्ष के आरोपों की सच्चाई जो भी हो, इससे इनकार नहीं कि चुनावी बांड की योजना को बेहतर बनाने की गुंजाइश का जिक्र खुद यह योजना जारी करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उपयुक्त चुनाव सुझाव आए तो उन्हें इस योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। अपने देश में आमतौर पर लोग अपने अपने राजनीतिक रुझान के तहत राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं।
और इसे सार्वजनिक करने में उन्हें कोई समस्या भी नहीं होती। लेकिन बड़े उद्यमी और कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देते समय यह जाहिर करने से बचती हैं कि उन्होंने किसको कितना चंदा दिया है। उन्हें भय होता है कि उनका नाम उजागर होने से वे राजनीतिक दल उन्हें निशाना बना सकते हैं जिन्हें उन्होंने चंदा नहीं दिया होगा। उनकी इसी परेशानियों को देखते हुए चुनावी बॉन्ड योजना में उनका नाम गोपनीय रखने की व्यवस्था की गई। इस बॉन्ड को खरीदने वालों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन बैंक को यह जानकारी रहती है किसने किसको चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया। जिस समय चुनाव बॉन्ड वाली व्यवस्था चालू हुई तब पैसा कोई शोर विपक्षी दलों ने नहीं मचाया जैसा बीते दिनों संसद में मचाया गया। कांग्रेस की माने तो चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। इस पर भाजपा का कहना है, बीजेपी का, कि इस योजना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वर्षों से भ्रष्ट तौर तरीके से राजनीति करने की आदत लगी हुई है। सच्चाई जो भी हो, इस मामले में आरोप प्रत्यारोप उछालने से बात बनने वाली नहीं है। वास्तव में जरूरत संसद के भीतर या बाहर शोर शराबा करने की नहीं, यह देखने की है चुनावी चंदे की ऐसी पारदर्शी व्यवस्था कैसे बने जिससे चुनाव में धन बल का इस्तेमाल कम हो और जनता में यह भरोसा बढ़े कि चुनाव लड़ने के लिए काले धन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या यह अजीब नहीं है कि चुनाव बॉन्ड पर सवाल खड़ा करने वाले यह नहीं बता पा रहे हैं कि इस योजना की खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच 6,128 करोड़ रुपए 12,000 रुपए के 12,313 बॉन्ड बेचे गए। इनमें से एक बड़ी राशि भाजपा के पास गई है। शायद कांग्रेस इससे चिढ़ी है कि उसे भाजपा के मुकाबले कहीं कम चंदा मिला, लेकिन उसे यह पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को चंदा मिलने का एक बड़ा आधार उसकी साख होती है। यदि कोई राजनीतिक दल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है अथवा अपनी विचारधारा से उन्हें प्रभावित करता है तो स्वाभाविक है तौर पर उसे चंदा भी अधिक मिलता है। चुनावी बॉन्ड पर सवाल खड़े करने वालों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि पहले की तुलना में यह व्यवस्था कहीं अधिक पारदर्शी है। पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था कि किसने किसको कितना चंदा दिया। चुनावी बॉन्ड योजना नोटबंदी के उपरांत काले धन पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद अमल में लाई गई थी। भले ही काले धन पर पूरी तौर पर रोक ना लग पाई हो, लेकिन इतना तो है ही कि उस पर एक बड़ी हद तक अंकुश लगा है। बेहतर हो कि कांग्रेस यह देखे कि कहीं उसे कम चंदा मिलने का कारण उसकी गिरती हुई साख और सिमटता हुआ जनाधार तो नहीं है। यदि कांग्रेस यह मान रही है कि चुनावी बॉन्ड योजना में खामियां ही खामियां हैं तो उसे उसका बेहतर विकल्प बताना चाहिए। केवल शोर मचाने से ना तो उसे कुछ हासिल होने वाला है और ना ही भारतीय राजनीति और लोकतंत्र को। चलिए, तो ये था हमारा चुनावी बॉन्ड से संबंधित आर्टिकल।